भागलपुर में गरीब कल्याण सभा। भागलपुर के लाजपत पार्क में आज सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण सभा का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में बांका भागलपुर के कई विधायक ने भी शिरकत की, जिसमें बांका के विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक निकी हेमरम, बिहपुर के विधायक शैलेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता तथा पीएम लाभुकों ने भी भाग लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हर गरीब को आवास, बिजली, अनाज देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। संजय जायसवाल ने अपने भाषण में कहा कि जब 2014 में देश के गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो बिहार में 1 रुपए किलो अनाज किसी ने देने का काम किया, वह नरेंद्र मोदी भाई जी ने किया। वहीं ईडी के बारे में पूछे जाने पर संजय जायसवाल ने कहा कि जो भी गलत कार्य करेगा, चाहे वह पार्टी का ही क्यों ना हो, वह भी जेल अवश्य जाएगा। कांग्रेस शासन में न्यायाधीश मार्क डे काटजू के पिता तथा प्रशांत भूषण के पिता जैसे 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन को खाने का काम किया है, इसलिए इस पर कार्रवाई होगी। वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि गरीब भाई बहनों, आप जानो कि देश में 5000 भागीरथी प्रयास से विकास की गंगा बहने का काम अगर किसी ने किया तो वह नरेंद्र भाई मोदी ने किया। उन्हीं की देखरेख में आज देश काफी आगे बढ़ रहा है। आम इंसान तो आम इंसान, अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे चोर। भगवान के घर मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देते चलते बन रहे हैं चोर, या यूं कहें तो चोरों के हौसले बुलंद है। चोरी की इस घटना का कुछ सुराग सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार माखन सा चौक स्थित मंदिर में चोरों ने अपना हाथ साफ किया और हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाए गए आभूषण सहित कई कीमती सामानों की चोरी कर ले गए। मंदिर के पुजारी और पुजारी के पुत्र सहित स्थानीय लोग व अखंड भारत पुरोहित महासभा के सदस्यों ने इस चोरी की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को सख्त होना चाहिए, जिससे भगवान के घर में चोरी की घटना पर लगाम लगा सके। आए दिन मंदिरों में चोरी की घटनाएं हो रही है, यहां तक कि कीमती मूर्ति तक को चोर उठा कर ले जा रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। देखिए, हम तो आए हैं यहाँ पर, अपने हमारे गुरु जी हैं, पुजारी जी जो है हमारे गुरु जी हैं, इनसे मिलने के लिए आए थे। जब मंदिर पर आए तो देखे कि बहुत सारा सामान यहाँ से जो है चला गया है, बताया कि ऐसा अच्छा बात है, फिर आप लोग को हम जानकारी दिए। जैसे यहाँ पता चला है कि हनुमान जी का गदा, उनका छत्र, खराम सोना का मुकुट और अन्य सामान लगभग 4 से 5 लाख का जो है यहाँ से संपत्ति का जो है रात में चोरों द्वारा यह अंजाम दिया गया है। और मैं अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा इसका कड़ा विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ और प्रशासन को इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि आप तत्काल जो है उन लोगों को चोरों को पकड़े और सामान को बरामद करें। 15 दिन पहले भी मंदिर पर चोरी हुई थी और 2 साल पहले भी यहाँ, और रात जो है लगभग 12:30 बजे के आसपास में यह घटना का अंजाम दिया गया है। हनुमान जी का एक चांदी की मुकुट, एक गदा चांदी का, एक खराम, खराम एक जोड़ा चांदी का, एक का, एक जोड़ा सोने का खराम, राम जी का ना सोने का खराम राम जी के लिए था। हाँ, और इधर पोखर मंदिर देख लीजिए, आपको चतुर्भुज स्थान वैष्णो मंदिर देख लीजिए, और यहाँ घटना दूसरी बार हुई है और स्थिति इतनी खराब है। रात में यहाँ गार्ड रहती है, प्रशासन का हमेशा पहरा रहते हुए भी ऐसी घटना हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, ये तो अब जनता जाने चाहे प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी जाने, ऐसी घटना बार बार हो रही है। और यहाँ से मेरा रवि भूषण कुमार हुआ नाम। निर्देशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांका द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक का लक्ष्य 1,02,673 के विरुद्ध 1,01,624 को स्वीकृति दी गई, जिसमें से 1,01,184 प्रथम किस्त का भुगतान किया गया, जिसमें 96,442 लाभुक द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया एवं शेष 4,742 आवास अपूर्ण है। जिला पदाधिकारी बांका द्वारा महाजून तक सभी अपूर्ण आवास सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस वित्तीय वर्ष 2021-22 तक का कुल लक्ष्य 10,837 के विरुद्ध 10,376 लाभुकों को स्वीकृति दी गई, जिसमें से 9,967 लाभुकों का प्रथम किस्त भी दिया गया,
जिसमें 1241 लाभुकों द्वारा आवास कार्य पूर्ण कर लिया गया। प्रथम किस्त प्राप्त लाभुक 8730 लाभुकों को माह जून तक 50% आवास पूर्ण कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। प्रत्येक प्रखंड में कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बांका जिला अंतर्गत 75 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें से अमरपुर, बांका, बाराहाट, बौसी, बेलहर, चांदन, धोरैया, कटोरिया में 7 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया गया है एवं फुलडुमर में 5 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्देशित है। अमृत सरोवर के तहत 1 एकड़ या 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के पोखर का निर्माण, जिसमें पानी संग्रहण की क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर से अधिक हो, ऐसे सरोवर का निर्माण किया जाना है। साथ ही सरोवर का सौंदर्यीकरण भी किया जाना है। बांका जिले में अब तक कुल 30 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से अमरपुर में 4, बांका में 1, बाराहाट में 1, मौसी में 5, बेलहर में 2, चांदन में 3, धोरैया में 4, फुलडुमर में 2, कटोरिया में 1, राजौन में 5, शंभुगंज में 2 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी बांका के निर्देश के आलोक में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को अमृत सरोवर में कार्य देते हुए मानसून से पहले अमृत सरोवर के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। जिला पदाधिकारी बांका के निर्देश पर श्रावणी मेला 2022 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस क्रम में सरकारी कांवरिया धर्मशाला जिलेबिया मोड़ बेलहर का मरम्मति एवं रंग रोगन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। अंचलाधिकारी अपने देखरेख में कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उप विकास आयुक्त बांका द्वारा अमरपुर प्रखंड कार्यालय एवं मनरेगा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा सभी विभागों के कर्मियों की हाजिरी की जांच की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तदुपरांत उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा पवई पंचायत के ग्राम पवई में लोहिया स्वच्छता अभियान बिहार के तहत मनरेगा योजना से बनाने वाले प्रबंध सेट का शिलान्यास किया गया। योजना की प्राकृत राशि 5,55,966 है एवं जिसका MIS कोड RS/20325891 है। योजना का नाम लोहिया स्वच्छता अभियान बिहार के तहत मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत पवई के ग्राम पवई में कचरा प्रबंधन सेट का निर्माण है। इस कचरा प्रबंधन सेट के बन जाने के बाद ग्राम पंचायत में गंदगी की समस्या का समाधान हो जाएगा। उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा ग्राम पंचायत रतनपुर मकदुमा के ग्राम खेरा में अमृत सरोवर अभियान के तहत मनरेगा योजना ग्राम खेरा में खेरा पोखर की खुदाई के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस योजना की प्राकृत राशि 9,95,000 है तथा इसका MIS कोड WC/20550416 है। यह योजना बहुत ही जनोपयोगी है तथा इस योजना के पूर्ण हो जाने से आसपास के सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके। अमृत सरोवर अभियान आजादी के 75वें वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है तथा इसके अंतर्गत बांका जिला में कम से कम 75 तालाब या पोखर का निर्माण कार्य होना है। जिला पदाधिकारी बांका के निर्देश के आलोक में हर घर दस्तक 20 के तहत आज दिनांक 13 जून 2022 को जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में विभिन्न पंचायतों में 155 स्थानों पर COVID-19 वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। इस क्रम में अमरपुर के 7 स्थानों पर, बांका में 14 स्थानों पर, बाराहाट में 17 स्थानों पर, बेलहर में 20 स्थानों पर, बौसी के वार्ड संख्या 11 में 11 स्थानों पर, चांदन में 15 स्थानों पर, धोरैया में 7 स्थानों पर, फुलडुमर में 18 स्थानों पर, राजौन में 15 स्थानों पर, शंभुगंज में 9 स्थानों पर COVID-19 वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। इस अभियान में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य संस्था के द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को सूचना दी गई तथा उन्हें कोविड टीकाकरण हेतु प्रेरित करने का कार्य किया गया। आज के वैक्सीनेशन अभियान का पर्यवेक्षण जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया। पर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अमरपुर, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बांका एवं कटोरिया तथा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी बांका द्वारा बौसी एवं पाराहाट में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया गया। इसके अंतर्गत दिनांक 14 जून 2022 को कबीर जयंती के अवसर पर जिला अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर रेफरल अस्पताल अमरपुर, बौसी एवं कटोरिया में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इन तीनों स्वास्थ्य संस्थानों में रक्तदान शिविर के सफल आयोजन हेतु सदर अस्पताल बांका के रक्त अधिकोष के टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है।